सो हाय गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम सभी को मेरी तरफ से। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। थैंक यू सो मच जो जो अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब था और जो जो अभी तक मेरा सब्सक्राइबर था जिनको उम्मीद थी कि शायद मैं कोई ब्लॉग डालूँ। थैंक यू सो मच पहले तो तहे दिल से आप सभी का मेरे लॉयल सब्सक्राइबर रहने तक टिल द डेट। तो कुछ रीजंस हुए थे गाइस, उस वजह से अभी तक व्लॉग नहीं आया। एक्चुअली बता नहीं सकता, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बट बता दूंगा टाइम डाल के, क्योंकि कॉपी में बहुत कुछ नोट डाउन करके रखा हुआ है। टाइम आने पे सब कुछ बताया जाएगा। तो अभी इतने टाइम से व्लॉग नहीं कर रहा था तो सोचा एक ट्रिप के साथ ही व्लॉग की शुरुआत करी जाए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही नवरात्रे ख़त्म होते हैं तो हम जाते हैं, हर बार की हमेशा नवरात्रे ख़त्म होते ही हम जाते हैं अपनी माता शुक्राला जी के दरबार पे। तो आज भी हम वहीं जा रहे हैं, बट प्लान में कुछ ट्विस्ट है। तो मैं और स्वास्तिक भाई हैं इस बार, और कोई नहीं हमारे साथ, ना तीसरा ना चौथा। तो फ़िलहाल स्वास्तिक भाई के पास पहुँचते हैं। वैसे तो हमने प्लान आउट किया था नियर अबाउट 3 बजे निकलने का, बट ऑलमोस्ट 5:15 हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो, मैं टाइम दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर तक, तो पहले बात कंप्लीट हो जाए। तो अभी चलते हैं फटाफट से, स्वास्तिक भाई को उठाते हैं, माता जी के दरबार के लिए निकलते हैं, एंड बाकी अपडेट्स आप लोगों को देते रहता हूँ। और गेस कर लेना कि ट्विस्ट क्या हो सकता है। तो बने रहो व्लॉग में, ट्राई करता हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने की। अभी कैमरे की तरफ भी नहीं देखा जा रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम से फेस नहीं ना करा, तो एक जो हैबिट थी वो ख़त्म हो चुकी है। बट करेंगे व्लॉग, बस आप लोगों को प्यार बरसाते रहना है, जितना हो सके प्यार बरसाते रहना। देख लो इतनी देर के बाद शुरुआत कर रहा हूँ व्लॉग्स की, तो शुरुआत ही मैं गाइस ट्रिप से कर रहा हूँ, और ट्रिप भी छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी एडवेंचरस ट्रिप होने वाली है। तो चलो पहुँच गए स्वास्तिक भाई के पास, आप लोगों से बात करते करते ही। जैसा मैं आप लोगों को टाइम का बता रहा था, तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 5:11 बता रही है, और यहाँ पे बता रही है 5:15। तो भाई अभी गुस्सा हो गए होंगे, क्योंकि हमारी कुछ ट्रिप भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में बनी, भाई का गुस्सा करना भी जायज़ है। तो ये अब हम आ गए स्वास्तिक भाई के पास, तो चलो पहले भाई को बिठाते हैं, सामान वगैरह सेट करते हैं और मिलवाते हैं भाई से। तो गाइज निकल चुके हैं हम लोग, कर लिया हमने स्वास्तिक भाई को पिक आफ्टर सो लॉन्ग, और हम दो ही हैं अभी, हम दोनों चल रहे हैं, गाड़ी को फ्यूल अप वगैरह करवाते हैं, देन अपना शहर छोड़ते हैं। देख सकते हो अभी इंदिरा चौक है, हम रिस्क नहीं ले रहे कि शायद हमें सिद्रा साइड कोई खुला हुआ मिले या ना मिले, फिर अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं और देखते हैं एस्टिमेटेड टाइम क्या आता है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, और हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। एक्चुअली भैया हमारी आज कितनी डेस्टिनेशन रहेंगी? भैया आज हमारी रहेंगी एटलीस्ट 1-2-3। तो अगर देखा जाए पहली दो तो आपकी व्यूअर्स ने देखी ही है जी, तो तीसरी कुछ नहीं मिलेगी, अजूबा ही मिलेगा कुछ। वही मैंने इनको बोला कि कुछ आज ट्विस्ट भी है, हम जैसे मैंने कहा तो है इनसे कि ऐसे वैसे आज कुछ सरप्राइज भी है, जैसे हम नॉर्मल शुक्राला देवी जाते हैं तो हम शुक्राला देवी के बाद थोड़ा सा इस ट्रिप को एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं, हटके मिलेगा, हटके तभी हम दो ही हैं शायद, हटके वाला नहीं होता तो जनता इकट्ठी तो, हो जाती, फिर तो साले और दो तीन, फिर तो दो गाड़ी हो जानी थी। बात तो सही है, तो चलो करते हैं कंटिन्यू इसको, अब फ्यूल अप करवाते हैं, देखते हैं कितना आता है इसमें, पहले कभी पड़ा हुआ इसमें, कल 500 का डलवाया था, तो देखते हैं। तो चलो गाइज अपनी ट्रिप वगैरह कर दी हमने रीसेट, और डिस्टेंस आप लोग देख सकते हो 3:02 दिखा रहा है, 8:35 का एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है 118 किलोमीटर के लिए। तो निकलते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं, चलो गाइज। फिलहाल हम लोग सरूईंसर पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, तो रास्ते में मैंने कैमरा उठाया नहीं, क्योंकि काफ़ी बार आप लोगों को ऑलरेडी भी मैं ये चीज़ें दिखा चुका हूँ, ये वाला रोड, बट आज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है। देखो ये सामने सनराइज़ होने वाला है यहाँ से, एंड क्या प्यारे व्यू आ रहे हैं यहाँ पे, देखो बादल, लास्ट टाइम हमने देखे थे ना बादल ही आ गए ज़मीन पे, इस बार तो हम ऊपर हैं और बादल नीचे हैं। हाँ जी नहीं भैया, मार्च में था, मार्च में गए थे हम लास्ट, मार्च में गए थे, आई डू रिमेम्बर ब्रो, मार्च में गए थे, डेट चेक कर लेना। पड़ रही तो होती है, मतलब जीने नहीं देना। तो ये देख लो भैया को ज़्यादा ठंड लग रही है, और मैं देखो मैं तो गोवा जा रहा हूँ, भैया मनाली जा रहे हैं,
लेते हैं एक दूसरे एंड लेट्स कंटिन्यू। तो गाइज अभी हम बिलावर वाले रोड पे हो चुके हैं। टेम्परेचर आप लोग देख सकते हो, जब हम घर से निकले थे आई गेस 16 डिग्री समथिंग था और मौसम देखो क्या प्यारा हो चुका है और यहाँ पे सनराइज़ भी हो चुका है। एक्चुअली हम अपनी थोड़े शेड्यूल टाइम से लेट हो गए, उस वजह से बता नहीं पाए। ये देखो भैया हमारे, भैया मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। रिएक्शन से पता नहीं चल रहा, रिएक्शन से तो पता चल रहा है। वैसे अच्छा हुआ यार हम दोनों सोलो पे आ गए, हमने कोई अपने साथ गेम नहीं लाई। क्लेश से अपना सर्कल ठीक है, जो बाकी के क्लेश है ना उनके कंपैरेटिवली अपना सर्कल ठीक है। तो अभी चलते हैं वहां पे। क्या भैया ब्लंडर फोटो आ रही है कसम से, मम्मा कसम। मैं व्लॉग बंद करके पहले भाई की फोटोज लेता हूं। छपरी बन जाऊं ऐसे? व्हाइट पैंट पहनी है आपने? ट्राउजर व्हाइट है आपका? गाड़ी आ गई ना, उसने बिलावर ही लेकर जाना सीधा बैंच बोनट के साथ चिपका के। यार अपना तेल बच जाएगा, गाड़ी इधर ही खड़ी कर देंगे। उसको बोलेंगे हमें बॉनेट पे उठा ले, गाड़ी पीछे बांध ले। बात सही है वैसे, काफी तो समझदार है जम्मू। वो बात सारी है यार, पीछे बैठो ना भैया। भैया चप्पल कौन सा था, कोल्हापुरी था कि लखनवी था कि कोल्हापुरी? ये ले फोटो है, फोटो। दादा एक बार चप्पल दिखाइए ना, कौन सा था, कोल्हापुरी था कि वो था? चले आगे आस्ते आस्ते, मामा वेट कर रहे हैं, चलते हैं मिलते हैं उनसे। तो चलो गाइज आपको भी मिलते हैं आगे जाके। एक बार यहाँ पे आप लोग ओस देखो, अगर जस्टिस होती है कैमरे में तो। इस रास्ते में मैंने आपको ज़्यादा दिखाया नहीं इतना, क्योंकि पहले भी दिखाया हुआ है तो जो सस्पेंस था मैंने सोचा था वहीं से आपको बताना शुरू करूँगा कि किस चीज़ का है किस चीज़ का नहीं। तो अगर आप लोग सुकराला माता आ रहे हो एंड आपकी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा लो है तो अभी आप लोग अवॉइड ही करें, क्योंकि जितना पहले था रास्ता वो बिल्कुल परफेक्ट था और अब आप लोग देख सकते हो प्रॉपर ऑफ रोड हो रहा है बलनों के साथ अपनी। बीच बीच में पैच अच्छा आ रहा है, मगर मोस्टली मेरी तो यही रिकमेंडेशन है, नहीं यहाँ पे तो पूरा ही खराब है। एक्सपेंशन का काम चल रहा है। हाँ एक्सपेंशन का काम चल रहा है और ये इन्होंने पूरे रोड पे कंकड़ डाल रखे हैं ना, उस वजह से अगर आपकी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली है तो आप लोग उससे आना अवॉइड ही करें। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, इस बार कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए हम, मार्केट भी बंद है और ये लगा दी हमने अपनी गाड़ी। और हर बार की तरह क्या प्यारा सजाया माई का दरबार, भैया टेक रहे हैं माथा। तो चलो चलते हैं माथा वगैरह टेकते हैं और आपको भी अपने साथ हम चल के वर्चुअली दर्शन वगैरह करवाते हैं। तो जोर से बोलो जय माता। तो गाइज माथा वगैरह टेक के हम लोग आ चुके हैं वापस और नीचे जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो माता जी का आशीर्वाद ले लिया, आप लोगों को भी होपफुली सबको माता रानी ने दे दिया होगा आशीर्वाद। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी ट्रिप को करते हैं कॉन्टिन्यू। तो आप लोग गैस वगैरह कर लो कि हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ पे जा रहे हो सकते हैं। और कोई नहीं हमारे साथ, ना ही कोई सरप्राइज है, हम दो ही हैं, एक मैं और एक है मेरा भाई। तो वैसा कोई सरप्राइज नहीं है, वैसा कोई भैया एक बार फिर से। हाँ तो वैसा कोई सरप्राइज नहीं है कि हम किससे मिलवा रहे हैं या किसी को कुछ। सरप्राइज ही दूसरा है। क्या बोल रहा प्राइज ही दूसरा है। हाँ। देख लो हम दो हैं तो क्या सरप्राइज हो सकता है। तो कोई गाड़ी में छोड़ कर आया हुआ उसको। क्या बोल रहा है? मुझे गाड़ी में बैठी है वो। कौन बैठी है गाड़ी में? जिसने ब्लू कलर की टॉप डाली है। वो तो आपने पहनी है। वो तो आपने पहनी है। और भी है ना एक गोफी पुत, वो तो आपने पहनी है गोल गोल। ओए शट अप।
ऐसी ऐसी उसकी। तो गाइस देखो अभी हम दोनों तो ऐसा मस्ती मजाक चलता रहेगा, और आप लोगों को पता है जब मेरे साथ स्वास्थ्य भाई होते हैं तब हम दोनों हंसी मजाक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे हम दोनों काफ़ी सीरियस और सोफेस्टिकेटेड और काफ़ी दुखी रहते हैं। मैं दुखी रहता हूँ, सोफेस्टिकेटेड। तो मैं तो वैसे दुखी रहता हूँ, मेरा थोड़ा ट्रिप्स पे आके चेहरा खिलता, और वैसे भी काफ़ी टाइम से बड़ा लो फील कर रहा था। क्या बोल रहा है बदतमीज। ऐसे दोस्त हो ना, दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती, तभी मैं दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे आ जाता हूँ। जब ज्यादा दुखी हुआ होता हूँ कि इनके साथ जाऊंगा ये इतना जलील करेंगे, इतना जलील करेंगे, इनकी जलालत खत्म नहीं होगी और मैं जलील नहीं होऊंगा, ये चक्कर है। तो अब चलते हैं आगे, सस्पेंस करते हैं, रिवील। लोकेशन ही बताऊंगा आप लोगों को, बस आप लोगों को गैस करना और रास्ते वगैरह देखने। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। कैसे कैसे खत्म? अभी जम्मू जाना हमने वापस से, बकरा जम्मू जाना, जम्मू जाना होता था। गंदी होगी बेचारी। तो वैसे रुकना नहीं था, आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय कर ही रहे थे, तो सोचा ये व्यू दिखा दूं आपको अच्छा सा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, यहाँ पे हम पहले भी रुकते थे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी मेमोरीज हैं हमारी इस जगह के साथ। और मुझे नहीं पता फुटेजेस कैसे आ रही हैं, एक्चुअली सूरज भी बिल्कुल सामने है मेरे, तो आंखें नहीं खुल रही अच्छे से, गाड़ी अच्छी खासी गंदी होगी। और जो मैं लुक की बात कर रहा था, मैं एक बार भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया एक बार आप यहाँ, ओ कुछ ज्यादा यहाँ पे थोड़ी किया था आपने, आप यहाँ पे खड़े थे, उधर दुष्यंत खड़ा था। मैं उसका थोड़ी देखना है, मैंने तो अपना देखना है। ओ यार उसने क्या नाला बना दिया यहाँ पे, ये माए दुष्यंत, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको बसोली वाले ढूंढ, ये बिलावर वाले ढूंढ रहे हैं, बोल रहे नाला बनाई उड़िया, हमें तेरे जैसे सच्चे फोरमैन की तलाश है भैया। या चलो मैं पहले भैया की लुक दिखा देता हूँ, मूत के बाढ़ ला देंगे। भैया की लुक आ गई कुछ इस तरह की। तो अब मैं भैया को रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने जो बोला पहली बार मैंने कुछ ट्राई किया वो दिखा देता हूँ। वैसे इस टी शर्ट में तो आपने मेरे को बहुत टाइम पहले भी देखा होगा, गुड़मुल्ला ए हबीबुल्ला ये टी शर्ट एक्चुअली काफ़ी प्यारी है मेरे को, इसके दादा ने इसके पापा को दी थी, इसके पापा ने इसको दी है, अभी अपने बेटे को देगा। यू नो इफ यू नो देन यू नो द रीजन, नहीं वी डोंट। जो मैंने फर्स्ट टाइम बोला वो मैंने एक्चुअली ये शूज पहना है, बताना कैसा लग रहा हूँ। शूज पे थोड़ी मारना, पूरी शक्ल दिखानी है, जूते थोड़ी दिखाना है, बताना कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। तो मिलते आगे, अभी तक हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, फोन दे वापस। अच्छा फोन रख लो भैया आपके, ये अभी तक हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो जाते हैं कहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह भी करते हैं। तो आप लोग ऐसे ही टाइम लैप्स के शॉट्स करते रहो, एंजॉय। हम लोगों ने मानपुर वाला जो यू टर्न आता है बसोली के लिए वो ले लिया हुआ है, तो थोड़ा मेरा स्लैंग ऐसा लगा क्योंकि मेरे को ऐसे बोलूंगा महानपुर लगेगा बोलने में, तो मानपुर बोल लेते हैं, इतने तो हम हैं ही डुगर। तो अभी ख़राब रास्ता बीच बीच में आता रहेगा, बट मेन बात वो नहीं है कि मैं मानपुर वाले रोड पर आ गया तो मैंने कैमरा उठाया, इसलिए मेन बात कुछ और है। चलो वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मेरे को आगे एक स्नीक पिक आने दो, आप लोगों को भी एक स्नीक पिक देता हूँ। हम जा रहे गांव पे हैं, तो पिछली बार मैंने यहाँ पहुँचने तक ही अपना दूसरा व्लॉग ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया हुआ था, जैसे ही शुक्राला देवी हमने माथा टेका था उसके बाद ही पहला वाला व्लॉग एंड करके सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो अभी तक यहाँ पे फर्स्ट व्लॉग ही चल रहा है, सो कुछ रीज़न होगा, शायद कहीं दूर लंबा निकलने की तैयारी में हो हम दोनों। तो जी जी लगेज इनको दिखाएंगे अभी, जब सेट करेंगे ना तब दिखाएंगे इनको लगेज। तो भैया यहाँ पे गुजरात नंबर गाड़ियाँ बहुत हैं यार,
ये स्विफ्ट भी गुजरात नंबर थी। गुजरात में क्या रोड टैक्स कम पड़ता है क्या? डोंट नो। तो गाइज अभी मिनी गोवा हम पहुंचे नहीं हैं, एक्चुअली पहुंचने वाले हैं, बट हाँ यहाँ से क्लियर आ रहा होगा। हाँ भैया आप निकल जाओ। बट रास्ते में मेरे को काफ़ी टाइम से एक व्यू ऐसा दिख रहा था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सॉरी अगर मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा खुद पे वैसे भी फोकस नहीं है। तो अभी आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से हमने लास्ट टाइम भी दिखाया था, जिन लोगों ने नहीं देखी देख लेना, मार्च 2023 सुकराला माता वाली सीरीज। इसी जगह पे खड़े हुए थे हम, तो यहाँ से व्यू देखो क्या प्यारा व्यू आ रहा है लेक का। मतलब ये यहाँ से लेके ये लेक पता कहाँ तक है बताऊँ आप लोगों को, ये यहाँ से लेके वो सामने कहीं पे धुआं धुआं जैसा दिख रहा है, ये गाइस लेक वहाँ तक है। तो हाँ तुम बजा लो, व्लॉग बन रहा है बे। और हमने जाना है, अब तो वो व्यू दिखना बंद हो गया। यहाँ कहीं भी सोच रहे हैं जाने की, देखते हैं बाकी आपको बता ही देंगे। तो चलो निकलते हैं भैया, बिजी है थोड़ा, निकलते हैं। तो गाइज हम लोग बसोली पहुंच चुके हैं और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह पैक करवाने गए थे हम, क्योंकि हमने मिनी गोवा ज़्यादा बैठना नहीं है, हमने आगे भी कवर करना है। सिर्फ यहाँ तक नहीं थी इस बार जर्नी, थोड़ी लंबी होने वाली है, तभी होने वाली है। बस यहाँ से अभी हमने चाइना का वीज़ा लगा लिया हुआ है, अभी हमने आंखें ऐसे थोड़ी सी ऐसे करनी है, अच्छी नहीं नहीं दिख रही आंखें, सन ग्लासेस उतार के देखा। हाँ बना, बस अभी हमने फिर डाडो पूजो करना है हमने जाके। क्या क्या? डाडो पूजो। डाडो पूजो। डाडो पूजो। ठीक है, तो अभी हम लोग मिनी गोवा जा रहे हैं, यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर ब्रेकफास्ट वगैरह अपना कंज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट कंज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट कंज्यूम करेंगे, रोटी खा के। मच बेटर देन। तो उसके बाद देन हम अपनी आगे की जर्नी करेंगे कंटिन्यू। तो मिनी गोवा पहुँच के दिखाते हैं आपको वहाँ के सीन्स और अटल सेतु दिखा के, फिर ये वाला व्लॉग यहाँ पे खत्म कर दे। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं मिनी गोवा। ये रही सामने अपनी गाड़ी एकदम बीच पे, तो वो सामने पीछे दिख रहा होगा हल्का हल्का अटल सेतु। और अभी हम लोग यहाँ पे रिवर बेड पे बैठ के कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, परांठे दही अचार एंड सॉस। ये रहे भैया, भैया ने चेंज कर लिया फटाफट। तो चलो अब फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट क्या, ब्रंच ही हो गया हमारा एक टाइप का, 12:30 हो रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके मिलते हैं आपको। धूप बहुत लग रही है यहाँ पे यार, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। चलो यार बड़ा सस्पेंस रख लिया, हम लोग आए हैं एक रोड ट्रिप के लिए, ज़्यादा कोई लंबी नहीं है अपनी, 4-5 दिनों की रहने वाली है। उसमें मैं एपिसोड्स पता नहीं कितने बनाऊंगा, हम दो ही हैं। सामान देख सकते हो आप लोग, ऐसे भी गाड़ी भरी हुई है, अभी सारा बिखरा पड़ा है, यहाँ पे भी सामान पड़ा है। और अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए थे यहाँ पे, तभी इस बार हम इतनी जल्दी आ गए यहाँ पे। मतलब पहले किया ब्रंच हो गया ना हमारा काइंड ऑफ, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो पूरी गाड़ी पैक्ड है ऑलमोस्ट। तो हमने इसीलिए पैक करके लिए, हम लोग पहले से ही तैयारी करके आए थे। हमारे साथ और भी थे आने वाले गेस्ट्स, बट ड्यू टू सम रीजंस वो आ नहीं पाए, कुछ तो आना नहीं चाहते एंड कुछ है ही नहीं। हाँ ये देख सकते हो हैंडी गैस भी पड़ा। तो गाइज मिनी गोवा से निकल चुके हैं हम लोग और अभी जा रहे हैं अटल सेतु की तरफ। तो आपको अटल सेतु की साइट सीन कराते हैं एंड देन निकलते हैं हम लोग यहाँ से अपनी आगे की तरफ, कूच करते हैं जहाँ पे जाना है हमने। तो गाइज आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने J&K के एक इंजीनियरिंग मार्वल, जिसको कह सकते हैं हम, अटल सेतु ब्रिज पे। और यहाँ पे आज रुकने का इरादा नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी भी दिखा चुका हूँ पहले भी,
ये रही अपनी गाड़ी, गंदी हो चुकी है काफ़ी। यहाँ से व्यू देख लें आप एक बार ज़रा। ये रहा हिमाचल, ये रहा JNK, ये JNK, ये पंजाब, और बीच में खड़ा ये पुल। और इस बार जल्दी ही है, 2:15 हो रहे हैं। ये बीच में आप लोग देख रहे हो बोट चल रही है, मैंने बताया था यहाँ पे मंदिर है, ये देख सकते हो आप लोग सामने। और ये देखो ये दिल बना हुआ है, ये देखो आई लव यू है सबको मेरी तरफ से, ये दिल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है ना भैया, भैया की तरफ से भी। वो सामने जो दिल बना हुआ है ये हम लोगों की तरफ से हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए जी। तो अब आप निकलते हैं यहाँ से और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बाकी कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं वो देखने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपने और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। डिसलाइक चुप करो यार। और वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो अगेन डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और कमेंट्स करके बताना कि कैसे लग रहे हो और कम बैक अच्छा लग रहा है, देखना चाहते हो और तो बता देना। अगर चाहते हो चैनल बंद कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूँगा। ठीक है, पीस आउट।